फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेकंड वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया था। नाउन में मैंने टाइप्स ऑफ नाउन बताया था, तो आज नाउन के ऊपर मैं वीडियो बताऊंगी नाउन के जेंडर के बारे में। जेंडर आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, तो इसी को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये जनरली वीडियो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को डिस्टिंग्विश करना आ जाता है 5th या 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउन मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। आप मेरी इस वीडियो देखने से पहले लास्ट टू वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट एंड वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउन जेंडर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी हमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको जेंडर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर मतलब मेल, इट रेफर्स टू मेल, यानी कि पुल्लिंग, जो भी हमारे ही जो प्रोनाउन होता है वो सब इसमें जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैन, हीरो, एक्टर, किंग, बॉय, नेफिया, एक्सेट्रा। मेल, जो मेल प्रजाति होती है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, वो हमारी मैस्कुलिन जेंडर में जाती है। आप इन एग्जांपल से समझ भी गए होंगे, किंग, बॉय, नेफ्यू, ठीक है, जो मैन होते हैं, मेल, जो मेल कैटेगरी होती है वो सब इस पर जाती है। फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल कैटेगरी वाले, इट रेफर्स टू फीमेल, जितनी भी आपकी फीमेल कैटेगरी होती है वो सब जेंडर होती है फेमिनाइन। जैसे वुमेन, हीरोइन, एक्ट्रेस, क्वीन, गर्ल, एक्सेट्रा। देखिए, इसी का ही मैंने यहां पर बना दिया, मैन का, मैन को कन्वर्ट कर दिया मैंने फेमिनाइन जेंडर में विमेन, हीरो का हीरोइन, एक्टर का एक्ट्रेस, किंग का क्वीन, बॉय का गर्ल, नेफ्यू क्या होता है मींस, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी क्लास में एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कन्वर्ट द मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन या फेमिनाइन जेंडर इनटू मैस्कुलाइन जेंडर, तो ये भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड जेंडर की, ये दोनों हमारे बिल्कुल क्लियर होते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता। अब जो कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर, वो रहता है कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि ये तो खत्म हो गए, अब ये कौन से जेंडर आ गए, कॉमन और न्यूट्रल। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कॉमन जेंडर मतलब होता है वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, कोई भी एक होगा, लेकिन हमें उसके नाम से पता ही नहीं चलेगा, यानी जिस नेम से हम उसे कॉल करेंगे कि वो मेल है या फीमेल। अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप जब इसके एग्जाम्पल सुनेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, डॉक्टर, सर्वेंट, लीडर। आप कोई चाइल्ड है, आप बोलते हैं ये स्टूडेंट है, क्या आपको उसके नाम से पता है? स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये कॉमन कैटेगरी जो होती है। फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो मेरी डॉक्टर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, जब तक कि हम उसका नेम ना लगाए या फिर जब तक कि हम उसके साथ प्रॉपर प्रोनाउन का यूज ना करें, ही और शी, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स, जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो ऐसे होता है कैंडिडेट्स को ये करना चाहिए, कैंडिडेट्स यहाँ साइन करेगा, तो वो जो साइन वो मेल भी हो सकता है, कैंडिडेट फीमेल भी हो सकता है। एक बड़ा एग्जांपल, जैसे आई एम टीचर, ठीक है, मैं सिर्फ बात आपसे बोल दूं, टीचर, हम टीचर से पढ़ रहे हैं, तो टीचर कैन इधर भी अ मेल और फीमेल, यानी कि ऐसे जो नाउन होते हैं हमारे, जो मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं, लेकिन या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, ठीक है, उसको हम रखते हैं कॉमन जेंडर में। अब आ जाते हैं न्यूट्रल जेंडर में, जो सबसे कंफ्यूजिंग रहता है। न्यूट्रल जेंडर, ना तो वो मेल होता है ना फीमेल होता है, यानी कि ना जो मेल होगा जो फीमेल होगा वो न्यूट्रल जेंडर में कैसे आ गया, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके साथ आप ज्यादातर इट का यूज करते हैं, इट का हम जिसके साथ यूज करते हैं,
जैसे कि पेन, चेयर, बोर्ड, बुक, कार, कंप्यूटर, लव, ट्रुथ, कोई भी फीलिंग्स आपकी हो गई, ठीक है, कोई भी इमोशन आपके हो गए, ये सब चीजें, या किसी की कोई क्वालिटी हो गई, ऑनेस्टी, करेज, ये सब चीजें किसमें आती हैं, आपके न्यूट्रल जेंडर में। एक तरह से आप कह सकते हैं आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो टाइप्स पड़े थे ना, वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स आपकी आती हैं न्यूट्रल जेंडर में, पेन, ये मार्कर, ये बोर्ड, इन सबके साथ हम इट का यूज करते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस, दोनों आप कहोगे इसमें भी मेल फीमेल नहीं है, इसमें भी नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें या तो मेल, इसमें मैंने लगाया ईदर, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, कोई ना कोई एक जरूर होगा, लेकिन इसमें दोनों ही नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। और ज्यादातर बच्चे इसमें ही मिस्टेक करते हैं एग्जाम में कि न्यूटर और कॉमन में क्या डिफरेंस है। देखिए आप पहले पहचानिए सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, आपको अगर कॉमन न्यूटर में कंफ्यूजन है, पहचानने में आया, डिस्टिंग्विश करिए दोनों में से, मेल और फीमेल तो बहुत ही कॉमन वो है, ईजी है, ठीक है, इसमें तो आप पता ही चलते हो एक्ट्रेस की इधर। आप डॉक्टर, सबसे पहले देखिए डॉक्टर जो होती है वो मेरी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है तो ये न्यूट्रल में तो जाएगी नहीं, कॉमन में ही जाएगी। और डॉक्टर क्या हो सकती है, या तो मेल होगी या फीमेल होगी, डॉक्टर कहने का मतलब, तो कॉमन में जाएगा। और न्यूटर जिसमें कोई भी नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी को हम न्यूट्रल में रखते हैं, जो आपने कॉमन कलेक्टिव नाउन पढ़े थे ना टाइप्स में, उसमें जो लिविंग वाले थे, जैसे आर्मी, पुलिस, ठीक है, आर्मी, पुलिस, उसका जो कलेक्शन था वो भी हमारे इसमें जाते हैं न्यूट्रल में, सिर्फ इसमें लिविंग थिंग वाले, लिविंग वाले। सिर्फ लिविंग वाले कलेक्टिव नाउन। अब आपको चार जेंडर क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगी जेंडर में हम चेंज कैसे करते हैं मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, या फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन भी आप उसका कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको मैस्कुलिन जेंडर लिखे हुए आ जाएंगे और आपको कहेंगे अब इसका फेमिनाइन आप बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पूरी जिसमें से कोई, जिसमें से हम है लर्न ही करना पड़ता है, हम ऐसी कोई चेंज नहीं कर सकते उससे लगाकर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जिसमें केवल लास्ट में ई डबल एस लगाना पड़ता है, उससे आप बना सकते हैं। अब कुछ जेंडर जैसे बॉय का आपको पता है गर्ल, कोई रूल नहीं होता, ये आपको लर्न ही करना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाता है, इसलिए जितने ज्यादा आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने आप करिए। ब्रदर का सिस्टर, नेफ्यू का नीस, नेफ्यू मतलब भांजा, नीस मतलब भांजी, बुल काओ, डॉग बिच, किंग क्वीन, मैन का वुमैन, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर, ठीक है, हॉर्स जो है यहाँ पर मैस्कुलिन है और मेयर इसका होता है फेमिनाइन, घोड़ी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, फादर का मदर, सन का डॉटर, सर का मैम, ड्रैक का डक। देखिए जो हम बोलते हैं ना केवल डक नहीं होता, डक का अगर फीमेल है तो उसको हम बोलते हैं ड्रैक, ये आपके लिए जरूर न्यू होगा क्योंकि डक तो हम पढ़ते हुए आए हैं पता है। तो अगर आप कहीं भी दो डक का एक पेयर देखते हो तो आप क्या होगे, पेयर ऑफ डक, इसके बजाय आप ये कह सकते हो ए पेयर ऑफ अ ड्रैक एंड अ डक, इट विल गिव द गुड इंप्रेशन, ठीक है, कि आपको इंग्लिश की बहुत नॉलेज है। ये यहां तक आपके हो गए जो बिल्कुल ही चेंज होते हैं, और भी बहुत होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप करिए। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता क्या है, नहीं मिलता, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पर आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा आप कुछ क्या होते हैं, हमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं होती, उनके आगे बस क्या हो जाता है, ई डबल एस हट जाता है, जैसे एक्टर, और यहां से ओ हट जाता है। देखिए एक्टर का ओ हट गया तो ए सी टी, ये ओ हट गया और सामने आ गया ई डबल एस, तो क्या हो गई एक्ट्रेस, ठीक है। एम्परर में भी ओ हटा देंगे तो क्या हो गया एम्प्रेस, पोइट का पोइटेस, ई डबल एस हटा दिया, इसमें यहां पर लास्ट में ओ नहीं था, हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंस का प्रिंसेस, ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्ट ई डबल एस आ रहा है। गॉड का गॉडेस, इसमें भी डायरेक्ट ई डबल एस लग गया। टाइगर का टाइगर्स, तो आप कभी ये लर्न कर लीजिए, आपको भी टाइगर, लाइन, प्रिंस क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, आगे ई डबल एस लगाना है। लाइन का लाइन, इसमें भी ई डबल एस आ गया। प्रीस्ट का प्रीस्टेस, प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, अगर वो फीमेल है तो उसके लिए प्रीस्टेस यूज करेंगे। ऐसी ऑथर, जनरली हम ऐसे होते हैं,
हमको नॉलेज नहीं होती, शी इज एन ऑथर। नहीं, अब से आप ऐसे मत बोलना, अगर शी है तो शी इज एन ऑथर, शी कैन नेवर बी ऑथर, ही कैन बी अ ऑथर। होस्ट का होस्टेस, ऐसी दो होस्ट है, एक मेल और एक फीमेल, ऐसे नहीं बोलेंगे, एक होस्ट है और एक होस्टेस है, इस टाइप से आपके होते हैं। हम बात करते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बदलने के लिए, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, यानी कि दो नाउन से मिलकर एक वर्ड बनता है, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। उसको कैसे चेंज करते हैं, उसका एक वर्ड चेंज होता है, एक एज इट इज रहता है। देखिए, जैसे बुल एलिफेंट, इसका फीमेल हो जाएगा काउ एलिफेंट, यानी कि अगर आप एलिफेंट से पहले बुल लगा देते हैं तो वो हो जाता है हाथी, और काउ लगा देते हैं तो वो हो जाता है हथेली। तो उसमें एलिफेंट सेम रहा, बुल और काउ आया। इसी तरह से ही गोट और शी गोट, इसका गोट का भी अलग से नहीं होता, गोट मतलब बकरी होती है, लेकिन गोट एक्चुअल में अगर हमें मेल और फीमेल में अलग अलग तरह से बताना है तो गोट के आगे हम ही लगा देंगे और फीमेल के आगे हम शी लगा देंगे, तो ही गोट शी गोट। इसी तरह से जैक एस जेनियस, एस मतलब गधा, तो अगर हमने जैक लगाया उसके आगे तो हम मतलब मेल गधे की बात कर रहे हैं, और अगर जेनी लगा दिया तो हम फीमेल एस की बात कर रहे हैं। इस टाइप से देखिए कंपाउंड नाउन होते हैं दो वर्ड से जो मिलकर बन रहे हैं। ऐसे पीकॉक, पीकॉक का, पीकॉक तो सब जानते हैं मोर, लेकिन मोरनी को क्या बोलते हैं, पी हैं, यानी कॉक की जगह यहाँ पर हो जाएगा है, ठीक है। ऐसी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को तो पता है फादर को चेंज करके, मदर जो होता है विडोअर और विडो, अब विडोअर मतलब विधुर होता है, विधुर मतलब अगर मेल, मेल की वाइफ की डेथ हो जाती है हम बोलते हैं इज अ विडोअर, और विडो विधवा, दोनों के लिए हम विडो यूज नहीं करेंगे। ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा, एंड ब्राइड मतलब दुल्हन, तो उसमें से ग्रूम अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा ब्राइड दुल्हन। लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, यहाँ पर हम बहुत गलती करते हैं डेली लाइफ में, हम बोलने में हम यही होते हैं शी इज माई लैंड लॉर्ड, नो शी इज माई लैंड लेडी। अगर जो लैंड लॉर्ड है वो फीमेल है तो वो लैंड लॉर्ड नहीं हो सकता, वो लैंड लेडी हो जाती है, लेकिन जनरली कॉमन हम बहुत यूज करते हैं लैंड लॉर्ड फेमस है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है आप लैंड लेडी ही यूज करिएगा अगर आपकी ओनर फीमेल है, लैंड लॉर्ड अगर मेल है। ऐसी मिल्कमैन मिल्कमेड, दूध वाला मिल्कमैन, ठीक है, अगर वो मेल है तो मिल्कमैन हम डेली लाइफ में ये यूज करते हैं, लेकिन अगर वो फीमेल है तो मिल्कमेड। वॉशरमैन वॉशरवुमन, धोबी, ठीक है, लेकिन अगर वही मेल फीमेल है वॉशरवुमन। ऐसी सेल्समैन सेल्सवुमन, मिस्टर मिसेस, तो ये आपके जेंडर हो गए। अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं मजेदार सी, आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए और हम इसमें क्या बताएंगे कि ये कौन सा जेंडर है चारों में से। अगर फेमिनिन जेंडर है उसके आगे मैं लिखूंगी एस, अगर मैस्कुलिन जेंडर है उसके आगे मैं लिखूंगी एम, अगर न्यूट्रल जेंडर है उसके आगे मैं लिखूंगी ए, और अगर वो कॉमन जेंडर है उसके आगे मैं लिखूंगी सी। तो देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। जनरली मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम सी और एन में बहुत आएगी, यानी कॉमन और न्यूट्रल में। इससे इस एक्सरसाइज से आपको बिल्कुल कॉमन न्यूट्रल जेंडर क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में जाता है डिफरेंट, लेकिन जब उसकी एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमें उसका लॉजिक और समझ आता है कि हमें कितना पता चला है। तो चलिए, ये है विक्सन। विक्सन आपको पता है कौन होता है, फॉक्स, लोमड़ी जो होती है ना, फॉक्स जिसे हम लोमड़ी होते हैं, फॉक्स जो होता है वो मेल होता है एक्चुअली, तो फॉक्स का फीमेल क्या होगा, विक्सन, यानी एफ, ये फेमिनाइन जेंडर हो गया, ध्यान रखिएगा, आपसे ध्यान रखिएगा। टीचर, अभी मैंने टीचर का भी एग्जांपल दिया था कौन से, मैं जैसे मैं टीचर हूं तो मैं नॉन लिविंग थिंग तो हूं नहीं, लिविंग थिंग, ठीक है, और सिर्फ टीचर के नाम से अगर उसके आगे ही शी या कुछ नहीं लगा, सिर्फ टीचर मेल भी हो सकती है फीमेल भी, तो ऐसे जेंडर कहां जाते हैं, जो या तो मेल होगा या फीमेल, दोनों में से कोई एक होगा, ऐसे जेंडर आप जाते हैं कॉमन जेंडर में। विजार्ड का मेल होगा। पेरेंट, पेरेंट, पेरेंट से हमें पता नहीं चल रहा ना है तो लिविंग थिंग्स, ये मेल हो सकता है या तो मेल हो या फीमेल, क्या होगा तो पेरेंट, और हम यह सिंगल की बात कर रहे हैं, पेरेंट या तो वो मेल हो सकता है फीमेल होगा, ठीक है, तो ये जाएगा आपका कॉमन जेंडर में। ध्यान रखिएगा कॉमन में लिविंग थिंग्स जा रही है आपकी, न्यूट्रल में नॉन लिविंग थिंग्स जा रही है एक्सेप्ट कलेक्टिव नाउंस। कजिन, कजिन मेरा मेल भी और फीमेल भी हो सकता है, तो ये जाएगा कॉमन जेंडर में। वर्ल्ड, वर्ल्ड भी मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। चिड़िया, तो ये जाएगा आपका कॉमन जेंडर।
ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम मैंने भी आपको यहां बताया है, दूल्हा मैस्कुलिन एम। पेंसिल, पेंसिल क्या है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये जाएगी हमारी न्यूटर में, जो ना मेल में आ सकती ना फीमेल कैटेगरी में, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग। देखिए आपको ऐसे क्लियर हो रहा है ना कॉमन न्यूटर का। ऑथर, ऑथर मैंने आपको बताया था ऑथरेस तो फीमेल होता है, तो ये मेल हो गया मैस्कुलिन। लव, फीलिंग्स, लेकिन ये भी क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं ना, तो ये आपकी चली जाएगी न्यूटर में, ना मेल हो सकती ना फीमेल हो सकती है, एक फीलिंग है लव। ऑनेस्टी, ये भी किसी की क्वालिटी है, ना मेल हो सकती है ना ही वो फीमेल हो सकती है, तो ये आपकी जाएगी न्यूटर जेंडर में, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। ड्रैक, डक, मैंने बताया था आपको मेल, मेल का डक का मेल होता है ड्रैक, मतलब डक फीमेल और ड्रैक मेल। प्लो, प्लो इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो ये आपकी जाएगी न्यूट्रल जेंडर में। अब बताइए आप लोगों का कितना सही है ये एक्सरसाइज, कितनी गलत। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइबर से और आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज्यादा अच्छा ट्राई करती हूँ कि मैं और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर सकूँ। तो विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।